बारी है एक और डिश की, चावल से बनी हुई पुलाव बिरयानी, लेकिन ऐसी कोई एक चीज़ जो बहुत जल्दी बन सके। ये जो है हम खुद काम कर रहे हैं, प्याज मेरे पास। ये जो हम बनाएंगे ये चिकन से बना रहे हैं, तो इसके लिए जो चिकन मेरे पास है उसे थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं। ये नमक, नमक के साथ साथ इसमें थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अब ये है लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, और इसमें डालते हैं थोड़ा दही। वाह, अब ये जो है चिकन को रख देते हैं हम मैरिनेट होने के लिए। चिकन मैरिनेट हो गया, अब ये लीजिए, अब इसे डायरेक्ट पकाना शुरू करते हैं। पकाने के लिए घी, ये घी, हाँ ये जो मेरे पास चिकन है इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, ये लीजिए। वैसे आइडली इसे करीब 2 घंटे तक रखें, बहुत मज़ा आएगा। देखें क्या हाल है इसका, घी का खुशबू आनी शुरू हो गई है। ज़रा जीरा ले लेता हूँ मैं, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, ये सब इसके अंदर फूटना शुरू हो गया। तो बस इसका मतलब है तैयार। प्याज इसके अंदर, स्लाइस प्याज हल्का सा भून लें, प्याज हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा कीमा, ये चिकन तो था ही लेकिन चिकन का कीमा ज़्यादा नहीं, और इसे थोड़ा तोड़ लें। हो गया चिकन का कीमा। आलू चाहिए इसके अंदर मुझे, तो ये आलू, लेकिन ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं डालेंगे इसके अंदर हम। बस चिकन का कीमा आलू के साथ में, आलू की किस्मत जो है बदल गई एकदम। इसमें नमक डाल लेते हैं, नमक इसके अंदर, हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा तीखी ना लगे इसलिए ऐसे ही होल डालेंगे। और अब ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ है ये इसके अंदर डालते हैं। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन विद बोन, वाह, तेज आंच पर। यहाँ पर मेरे पास है बासमती चावल, और ये बासमती चावल को पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है, करीब 1.5 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखें, पानी निकाल लें और फिर इसके साथ में पकाएंगे हम इसे। थोड़ा सा ज़रा पक जाए। एक और चीज़ चाहिए मुझे, वो हैं पुदीने के पत्ते चिकन के साथ में। अब देखें ये, वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर इसको इसी तरह से भी पका दिया जाए ना तो भी अपने आप में काफ़ी टेस्टी चीज़ बनेगी, लेकिन हम बनाने वाले हैं चावल के साथ में इसे। ये चावल, ले लेते हैं, इसमें पानी, ये पानी आ गया, मिक्स किया इसे हमने। अब ये जो है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये बस चावल पकने वाले हैं लेकिन ढक्कन लगाकर पकाएंगे इसे, और उससे पहले आंच धीमी करें और ये जो केसर है इसको डाल दें। ये डाल दिया केसर थोड़े से दूध में भीगा हुआ, और अब इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे, ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। चावल जब पूरी तरह से पक जाए, आलू भी तब तक पक जाएंगे, चिकन तो पक ही जाएगा, फिर इसका मज़ा लें गर्मा गर्म। लेकिन पकने के बाद में थोड़ा सा दम लें, जी हाँ, इसको दम पे रहने दें करीब 5-10 मिनट तक, फिर उसके बाद ढक्कन खोलें, खुशबू आएगी, और ऐसी खुशबू आएगी कि लगेगा वाह क्या खुशबू है। ऐसी चीज़ें बार बार क्यों नहीं बनती, चिकन, चिकन कीमा, आलू, चावल। नोट करें इसके इंग्रीडियंट, उसके बाद इसका रिकैप।
सिंधी बिरयानी के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बासमती चावल पानी में भिगा हुआ, 1/2 किलो चिकन कटा हुआ, 1/4 कप चिकन का कीमा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 4 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 काली इलायची, 5 हरी इलायची, 6 लौंग, 3 प्याज स्लाइस की हुई, 1 आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच पुदीने की पत्तियां कटी हुई और थोड़ा सा केसर 2 बड़े चम्मच दूध में भीगा हुआ। इसे बनाने के लिए चिकन के पीसेस में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, दही और सरसों का तेल डालकर मिक्स करें और इसे करीब 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक नॉनस्टिक पैन में घी गरम करके इसमें जीरा, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग और प्याज डालकर भून लें। इसमें चिकन का कीमा डालकर इसे भून लें और इसे अच्छी तरह से पका लें। फिर इसमें आलू डालकर तेज आंच पर कुछ देर तक पकाएं। अब नमक, हरी मिर्च और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर तेज आंच पर पकाएं। पुदीने की पत्तियां, चावल और करीब 3 कप पानी डालकर इसे उबाल लें। इसकी आंच धीमी करके इसमें दूध में घुला केसर डालकर मध्यम आंच पर चावल और चिकन गलने तक पकाएं और फिर गर्मा गर्म परोसें।